बाहर से लिपस्टिक भी लगाई थी, लेकिन वो थोड़ा कम लगाई हुई थी ना मैंने, तो सब जो है ऐसे ऐसे हो जाती है। तो ये मेरी फेवरेट कलर है दोस्तों, तो मैं ये लगाती हूँ। अब खराब ना हो इसलिए, क्योंकि थाली ना इतनी अच्छी मुझे इतनी पसंद आई ना दोस्तों। ये देखिए इसमें चिट भी है, वो दिन याद आता है दोस्तों, जब मतलब उधर रहती थी ना उस टाइम में लिया हुआ बनता है ना अभी। तो अभी हम इसको ना खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए हमने ना वो बोले थे ना कि आप मम्मी से मंगवा दो किसी घर में ये करना, क्योंकि मैं तब मेरी आंसू बहुत छोटी थी ना, तो बहुत मतलब उसको तंग करती थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना। देखिए दोस्तों मैंने मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छा खोजे सामने कितना अच्छा पैक करके रखा हुआ है, देखिए ख़राब भी ना हो। ये ऐसा पेपर लगाया हुआ है ताकि ख़राब ना हो। और बहुत हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल में। तो जो भी नए आए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल और बहुत सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा परिचय बता देते हैं हम अपना। तो हमारा नाम है अनुराधा और हम जो है अभी ससुराल में रहते हैं, ससुराल है महाराष्ट्र शिरडी में। मुझे ना कमेंट करते हैं कि दीदी आप ना पूरा तो मुझे बोलते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि दीदी आप सिर्फ थोड़ा सा ही परिचय बताते हैं, थोड़ा सा भी बताया करो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तभी हम सभी लोगों को जो है पता लगेगा कि दीदी कहाँ से हैं और मायका कहाँ पे हैं। कि आप थोड़ा थोड़ा सा बताते बस हो गया। तो दोस्तों मैंने जो है ना अपने परिचय के ऊपर ना एक पूरा ही ब्लॉग बनाया हुआ है, वो मतलब 4-5 महीना हुआ होगा तब बनाया हुआ, जब मैं मायके में थी तब बनाया हुआ था मैंने, तो वो नहीं देखा होगा आपने इसलिए आप कमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ जो महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र ससुराल है मेरा, महाराष्ट्र शिरडी में रहती हूँ मैं दोस्तों। तो फिलहाल मैं जो हूँ वो गांव में ही रहती हूँ। और दोस्तों इधर का कल्चर की बात करूँ तो इधर जो है साड़ी पहननी पड़ती है, तो हमने देखी साड़ी भी पहनी हुई है। और मायके की बात करूँ तो मेरा मायका जो है वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश छोटे से गाँव से है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों घर में जो है मम्मी पापा हैं और भाई हैं, और भाई की शादी होने वाली है दोस्तों, तो अभी हमने तैयारियां करना बाकी है, तो हम जाने वाले हैं भाई की शादी में, क्योंकि रियल भाई की शादी है मेरी। और अभी जो है ना ससुराल में रहती हूँ दोस्तों, तो अभी ससुराल का ही मतलब पहनावा करना पड़ता है ना, साड़ी वगैरह पहननी पड़ती हैं। तो मैं थोड़ा सा खेत की तरफ आई थी ना दोपहर को, क्योंकि मेरे सासू माँ ससुर जी हैं वो दूर वाले खेत में चले जाते हैं दोपहर को, क्योंकि उधर जो है उधर भी मोटर चल रही है कुएँ की। तो मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, तो इधर जो है मोटर स्टार्ट करनी थी ना, तो सिर्फ वो स्टार्ट करके गए थे, वो उन्होंने बोला था कि सिर्फ देख लेना, लाइट लूट बंद कर देना, बस उतना बोलने के लिए बोला था उन्होंने। तो इधर आई थी मैं, देखिए पाइप है इधर। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर के बाद घर में, और अंशु को छोड़ के आ गई मैं ताई सासू माँ के पास, तो उसको भी लेके जाऊंगी। आज मैंने उसकी ना बहुत अच्छी चोटियाँ बनाई हैं दोस्तों, छोटी छोटी चोटियाँ बनाई हैं, दो बनाई हुई हैं, बनाने के लिए नहीं देती है, तो मैं उसके पास मैं थोड़े से खिलौने डालती हूँ तब जाके उसकी चोटी बनाई है। तो इधर उसको लगा भी है, रात को गिरी है वो अंधेरे में दोस्तों, सीमेंट का आंगन में ना बहुत ज़ोर से लगती है दोस्तों, ऐसे ऐसे इधर से हॉन्ट में लगी है, ब्लड वगैरह आया उसको, फिर ठीक हो गई, पानी वानी पिलाया, दूध वगैरह पिलाया, तो सासू माँ बोले से नॉर्मल लगी है, बच्चों बच्चे कैसे गिरते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा धूप गिरी हुई है इसलिए मैं पेड़ के नीचे खड़ी हुई हूँ दोस्तों, मैंगो का पेड़ है ये, और वहाँ जाने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, इतनी तेज़ धूप है, क्योंकि मैं पहले भी बीमार हो गई हूँ धूप में, क्योंकि करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो तब बीमार हो गई थी, थोड़ा सा धूप में गई थी। और मेरे चाचा ससुर दिख रहे होंगे आप सभी को, ये देखिए अभी दिखाते हैं हम जूम करके, वो जो है ना खुरपा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं मराठी में, वो भी एक कर रहे हैं, मतलब जैसे नहीं कहा हम घास निकालते हैं, तो वो निकाल रहे हैं, जैसे साइकिल की तरह पहिया होता है, हमारा भी है दोस्तों कहीं तो रखा है ससुर जी ने, और वैसे दिखाऊंगी मैं आपको, तो ऐसा कर रहे हैं, उससे जो छोटा छोटा घास आता है ना तो वो निकल जाता है। तो देखिए मोटर जो है अभी बंद हो गई है, हमारा पानी बंद हो गया है, अभी हमारे पाइप में कोई पानी नहीं रहा है, तो सुबह से स्टार्ट हुई थी मोटर जो है हमारी, देखिए कितनी तेज़ धूप पड़ी हुई है, अभी ना ठंड का टाइम हो गया, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है इधर भी,
थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हो गई है, जैसे सुबह शाम ठंड हो रही है इधर भी। और मैं बोल रही थी नहीं नहीं हिमाचल में ठंड होती है, क्योंकि मम्मी को फ़ोन आता है, मम्मी बोलते हैं अभी हमने ना स्वेटर शॉल वगैरह पहनने के लिए स्टार्ट हो गए हैं। मैं बोली इधर शॉल वगैरह तो नहीं चलता है, लेकिन स्वेटर वगैरह चलता है मेरे ससुराल में, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। लेकिन अब इतनी भी ठंड नहीं, सिर्फ मैं अंशु को पहनाती हूँ स्वेटर वगैरह, फिर भी उसको दोस्तों मतलब फ़ैन लगता ही लगता है। तो अभी चलते हैं हम घर में, क्योंकि ये तो बंद हो गई है, अभी उनको फ़ोन करके बता देती हूँ मैं कि बाबू अपनी चोटी दिखा दो, चोटी दिखा दो मामा, चोटी दिखा दो। नहीं कहाँ शरारत करनी है, अभी आ कर दो। गाय जो रात को गिर गई थी तो उसको हॉन्ट में रख के। हे गाइस, तो अभी आ गई मैं तड़तड़ाती धूप से घर में, और घर में कैसा थोड़ा बहुत आराम मिलता है, फैन स्टार्ट हुआ है, मैंने एक ही फ़ैन स्टार्ट किया हुआ है। दिन को तो अच्छी खासी धूप लगती है तो गर्मी हो जाती है अंदर में, लेकिन रात को थोड़ा सा ठंडी लगने के लिए लग पड़ी है अभी, क्योंकि अभी जो है ना अक्टूबर की लास्ट लास्ट तारीख है, तो अभी नवंबर आने वाला है, फिर जो है वो फ़ैन तो बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बेटी अंशु के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ैन लगता है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसका जन्म जो है ना बेंगलोर का है, और बेंगलोर में कैसा ठंड रहता था जब वो हुई थी ना, तो फरवरी में ठंडी रहती है, तो उसको पता नहीं क्या आदत है, मतलब फ़ैन चाहिए चाहिए कितना भी ठंड होती है, तो मतलब उसको गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती, और मुझे भी नहीं होती है। अभी थोड़ा थोड़ा करके आदत पड़ रही है, लेकिन ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मैं एकदम ठंडे हिमाचल से हूँ। तो वैसे खासकर लोगों को पता ही होगा हिमाचल में कितना बर्फ़ पड़ता है, ठंडा ठंडा है, गर्मी की इतना आदत नहीं होती। लेकिन इधर के लोगों को ना, महाराष्ट्र के लोगों को ना ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मेरे फौजी साहब जब अपने ससुराल जाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे ऐसे हाथ कड़क कहते रहते हैं कि कट 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 ठंड लग पड़ी, और वो बोलती इतनी ज़्यादा ठंड रहती है हिमाचल में, ठंडी के टाइम में तो जाना नहीं है। लेकिन इस बार जो है ना दोस्तों, क्योंकि जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भाई की शादी फरवरी में जुड़ी है, तो फरवरी में तो ठंड ही होती है, इतना भी धूप नहीं होती है। लेकिन मैं साड़ी लेने वाली हूँ दोस्तों शादी के लिए जो है ना, तो क्या मालूम उस टाइम क्या होगा, बारिश होगी या धूप होगा, भगवान से गुजारिश है कि धूप ही होए, क्योंकि इतना मेकअप सेकअप करना और पूरा स्वेटर वेटर पहनना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है ना दोस्तों। तो भगवान से प्रे करती हूँ उस दिन जो है अच्छी खासी धूप पड़े जब बारात जाएगी, तो दोस्तों आपके साथ जरूर शेयर करेंगे मैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है ना हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, सुबह से हमें टाइम ही नहीं लगा ना, इतना ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि सासू माँ और ससुर जी को अर्जेंटली खेत में जाना पड़ा, वो मोटर की लाइट आ गई ना, वो हर दिन नहीं रहती है, कुछ गैप होता है उसमें बीच में, तो दोस्तों मतलब उनको अर्जेंट जाना पड़ा, तो सासू माँ ऐसे अंशु को देख लेते हैं, तो अंशु को भी देखना और साथ में काम भी करना। सुबह जो है वो आज मैं 5 बजे उठी थी ना, तो मेरे साथ ही उठ गई थी, तो 5 बजे उठ गई, तो फिर जो है नहाया धोया मैंने, फिर झाड़ू वगैरह लगाया, सब कुछ जो है, आज सुबह जो है ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई दोस्तों। तो फिर जो है वो नहा गया, फिर नाश्ता किया, चाय पानी वगैरह हुआ, फिर हमारा जो मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बर्तन, और बर्तन के बाद एक हाउस वाइफ ही जान सकती है मेरा दुख जो है कितना, मतलब टेंशन होता है काम का, वो काम हो गया अभी, तो फिर दोपहर को थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं, तब मैं जाके अपना ब्लॉग शूट कर पाती हूँ दोस्तों। और अभी जो है मैं उसको चाची सासू माँ के पास दे के आ गई हूँ, और थोड़ा सा कर लेते हैं हम मेकअप अभी। और सासू माँ तो बोल रहे थे अच्छे से कंघी कर लेना है हेयर में, लेकिन ना जब आराम से फ्री हो जाती है ना, पता नहीं क्या आज पड़ा रहता है मुझे सुबह सुबह ना, सब काम हो जाए ना, तभी जाके मैं कंघी करती हूँ, आज तो मैंने वो भी नहीं किया आज तो अभी कर रही हूँ मैं, तो अभी कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं इतना हेयर स्टाइल तो करती हूँ नहीं घर में, सिर्फ सिंपल से कंघी करनी होती है, तो वो फटक से हो जाती है दोस्तों, और उसको मैं अभी कर लेती हूँ कंघी। इतनी गांठें पड़ती है ना दोस्तों मेरे हेयर में, क्योंकि मैं जो ना वो ऑयल मसाज जो हर दिन तो करती नहीं हूँ, इसलिए सच में बोलते हेयर लगाना, हेयर लगाते रहना तो गांठे नहीं पड़ती। एक दो बार उनसे मैंने कंघी करवाई थी ना, वो बोलते मेरे से नहीं होती, उनके बाल ना छोटे छोटे हैं ना दोस्तों, तो उसमें के सब फटक से कंघी हो जाती है, इसमें ना बहुत टाइम लगता है, तो मेरा मन ऐसा लग रहा है, सोच रही हूँ कि भाई की शादी के लिए जो है ना छोटी छोटी सी मतलब कटिंग कर दूँ, हेयर कट कर दूँ,
और ऐसे छोटे छोटे क्या फटक से कहीं हो जाते, बड़ी हेयर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है दोस्तों, कहीं जाना भी होता है ना तो हेयर के भी चोट फंस जाती है, इसलिए मैं ना कोई हेयर स्टाइल ही नहीं करती हूँ घर में डेली यूज के लिए, सिर्फ सिंपल से अपनी गुद कर देनी और बस हो गया, कभी कभी जो है जूड़ा भी कर लेती हूँ तो हो जाता है, और शादी शुदियों में तो करना पड़ता है, हेयर स्टाइल अच्छा भी दिखता है, वो कैसे कभी कभार शादियाँ आती हैं तो ये देखिए दोस्तों मैंने ऑयल मसाज नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक दिन किया हुआ है, बस भन पड़ जाता है ना ऐसे ऐसे करके, इससे भन पड़ता है क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम कंघी करते हैं ना और गुद कर देते एकदम टाइट वाली ना, तब पड़ता है, देखिए मेरे हेयर जो है, अभी फैन की वजह से नहीं इधर उधर हो रहे हैं, तो अभी लगा देते हैं हम थोड़ा सा लिपस्टिक, आज से लिपस्टिक भी लगाई थी लेकिन वो थोड़ा कम लगाई हुई थी ना मैंने, तो सब जो है ऐसे ऐसे हो जाती है तो ये मेरी फेवरेट कलर है दोस्तों, तो मैं ये लगाती हूँ, अब शीशा तो रखा नहीं है मैंने, साथ में अलमारी भी पीछे है और दूसरी अलमारी उधर है, तो किसने उतना दोस्तों मोबाइल से देख के लगा देते हैं हम, क्योंकि हमारे फौजी साहब तो है नहीं घर में देखने के लिए मेकअप कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ मेरी वाइफ का, तो दोस्तों कैसा लग रहा है देखिए, बस हो गया मेरा मेकअप, नेचुरल स्किन क्या बोलते हैं उसको, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती दोस्तों, सच्ची में बता रही हूँ, बस सिर्फ अपनी थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ, बोलते हैं ना जितना आप मतलब वो करें क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग नुस्खे से मतलब किसी का भी देख देख के करें ना चेहरे ख़राब हो जाते हैं, ऐसा हमारे जो बुजुर्ग है ना दादी माँ वगैरह है मेरे नानी है वो बहुत बोलते हैं कि चेहरे में कुछ भी नहीं लगाना है ज़्यादा, सिर्फ मतलब फाउंडेशन वगैरह, तो वो मैं शादियों के टाइम लगा ही देती हूँ, जब कुछ त्यौहार वगैरह होता है तब लगा देती हूँ, और ऐसे कुछ नहीं लगाना, सिर्फ क्रीम छोड़ के कुछ नहीं, एक ही क्रीम लगानी है वो भी मैं जॉनसन बेबी लगाती हूँ दोस्तों, तो देखिए एकदम कुछ भी एक भी पिंपल नहीं दिख रहा होगा, एक भी फिंसी नहीं दिख रही होगी, देखिए सिर्फ थ्रेडिंग करती हूँ खुद का ही, खुद से करती हूँ घर में और हो जाता है, तो इधर ना मुझे छोटा सा ये हुआ है आंसू ने से क्रॉन्च मारी हुई है, तो दोस्तों अभी आती हूँ हम अपने टॉपिक के ऊपर, दोस्तों बस सब कुछ तो हो गया, करवा चौथ का शॉपिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो दोस्तों मैंने ना अपनी थाली बताना भूल गई थी, मुझे ना कमेंट किया हुआ था एक दीदी ने, कुछ तो नाम था उनका नाम नहीं याद रहा मुझे, लेकिन कमेंट याद रहा मन मेरा कि उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ था कि दीदी आपने करवा चौथ का सब कुछ बता दिया, क्या क्या शॉपिंग किया हुआ है, क्या क्या और सामान वगैरह मेकअप का सब कुछ बता दिया है, साड़ी भी बता दी, ब्लाउज भी देख लिया हमने खुद सिला हुआ है, बहुत अच्छा सिला है उसके लिए थैंक यू, तो वो बोल रहे थे कि दीदी अपनी प्लेट तो दिखाई नहीं आपने, जो थाली और छन्नी रहती है और लोटा रहता है वो तो आपने दिखाई नहीं, आपका कैसा है दोस्तों, वो मैंने ना पिछले साल ऑनलाइन लिया हुआ था, मीशो से लिया हुआ था मैंने ऑनलाइन जो है, उस टाइम मैं बैंगलोर में थी अपने हस्बैंड के साथ, मैंने बोला था ना आपको पिछले ब्लॉग में बताया हुआ था मैंने कि मैं एक ही करवा चौथ उनके साथ मना पाई हूँ, बाकी 6 सालों में मतलब एक भी करवा चौथ साथ में नहीं मना पाई हूँ, कितना अच्छा लगता है ना मतलब जब साथ में थे और पूरा दुल्हन की तरह मेकअप किया हुआ था, उन्होंने मुझे ना मेहंदी भी लगाई थी, उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, नहीं तो मैं जरूर शूट करती और आपके साथ जरूर बताती मैं वो सब, तो उन्होंने मुझ में मेहंदी लगाई हुई थी एक हाथ में, और बोलते मुझे नहीं आती है मेहंदी लगाने के लिए, मैंने ज़बरदस्ती लगवाने के लिए बोला था, बाकी मैंने खुद ही लगाई थी, मैं कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह में नहीं की थी, गई थी खुद ही घर में मेकअप किया हुआ था, तो वो फोटो मैं अभी मेंशन कर दूंगी आपको पीछे आगे जो है, देखना आप मतलब कैसा मेकअप किया हुआ था, फिर मुझे कमेंट करना दोस्तों, तो अच्छा करती हूँ कि नहीं करती हूँ अपना खुद का, और वो मैंने मीशो हॉल से लिया हुआ था दोस्तों, तो मैंने वैसे ही पैक करके रखा हुआ ये वाला जो मेरी थाली है, ख़राब ना होए इसलिए, क्योंकि थाली ना इतनी अच्छी मुझे इतनी पसंद आई ना दोस्तों, ये देखिए इसमें चोट भी है, वो दिन याद आता है दोस्तों जब मतलब उधर रहती थी ना उस टाइम में लिया हुआ है, तो अभी हाथ में लिया मैंने, ऐसे रख दिया था अलमारी में, ऊपर रखा था अलमारी के ऊपर, तो अभी वो काम आने वाली है, तो उसकी अच्छी से देखभाल करना तो बनता है ना अभी, तो अभी हम इसको ना खोल लेते हैं, इसको हमने ना वो बोले थे ना कि आप मीशो से मंगवा दो, इसलिए घर में वो ये करना, क्योंकि मैं तब मेरी आंसू बहुत छोटी थी ना, तो बहुत मतलब उसको तंग करती थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना, देखिए दोस्तों मैंने मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छा भोजन साहब ने कितना अच्छा पैक करके रखा हुआ है, देखिए ख़राब भी ना हो, ये ऐसा पेपर लगाया हुआ है ताकि ख़राब ना हो,
बहुत सारी डीप टेप लगाई है दोस्तों, अभी वो निकालनी पड़ेगी। टेप लगा दी है, वो कुछ दिख भी नहीं रहा है। देखिए दोस्तों कितने वाइट टेप है ना। वो अंशु होती नहीं इस टाइम तो कबाड़ा कर देती। अंशु को मैं उधर छोड़ के आई हूँ ताई पास माँ के पास। टेप लगा दिया है, फौजी साहब ने पैक कर दिया है उसको। हमने पहले निकाल के देखे ही नहीं, एक साल हो गया। और दोस्तों एक और बात बता देती हूँ, ये जो मेरा टैटू है ना दोस्तों, ये देखिए मैंने टैटू बनाया हुआ था। मेरे फौजी साहब का नाम है विजय नाम है दोस्तों। तो ये देखिए मैं सोच रही थी कि अन्नू और विजू लिखाना है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पेन होने लगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है टैटू बनाने के लिए। ये देखिए तो मतलब करवा चौथ के टाइम बनाया हुआ था मैंने, तो बहुत याद आती है। तो एक साल हो गया मेरे टैटू को भी। गोवा जाने का बहुत मन था, लेकिन मेरे पास ना अंशु थी, फिर अंशु बहुत छोटी थी तो फिर जा नहीं पाए गोवा। उधर से बहुत नज़दीक था ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छे से पैक कर दिया है। पैक हाँ, एक साइड से इतना मतलब पैक किया है। कागज बहुत अच्छा है, टूटती नहीं है इससे। दिया दिखाते हैं, ये देखिए हमारा दिया। देखिए इतना बहुत अच्छा लगा मुझे मीशो से। अब आपने ऑर्डर करना होगा ना तो दोस्तों मतलब उसमें डाल देना है मीशो हॉल में जो है ना कि करवा चौथ की थाली, तो उसमें बहुत सारी थालियाँ आ जाती है। ये मैंने शायद 550 की ऐसा कुछ लिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो है ना बहुत कुछ आया हुआ है, ऐसा नहीं कि थाली आई हुई है। ये दिया हो गया दोस्तों, कि दो कटोरी भी आई है हल्दी और कुंकू रखने के लिए। देखिए इसमें जो है वो ऐसे प्रिंट किया हुआ है, कलर किया हुआ है। ये देखिए पक्की है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम नाजुक, ऐसी नहीं है, स्टील की है ये पक्की वाली। इसलिए जो है 550 का आई है, रख देते फिलहाल के लिए। और लोटा देखिए दोस्तों कितना अच्छा है ना। देखिए हमारे करवा चौथ का बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, देखिए ऐसे ऐसे करके। और मैंने पैकिंग भी वैसी वैसी रखी हुई है, तो खराब नहीं हुआ, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। देखिए अंदर से स्टील का है ये वाला जो है, ऐसा पक्का स्टील है। ये हमारा लोटा रह गया जिसे हम पानी पियेंगे। तो साइड में अभी थाली निकालना बाकी है दोस्तों। देखिए थाली है और ये दोस्तों छन्नी है जिसे हम अपने प्यारे चांद को देखेंगे, फिर प्यारे हस्बैंड को देखेंगे, याद करेंगे। इस बार फोटो ही देखना पड़ेगा हमें। देखिए दोस्तों अच्छी छन्नी भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। देखिए दोस्तों देखिए इसमें जो है ना ये ऐसे ऐसे स्टोन लगाए हुए हैं, इससे जो है उसकी शाइनिंग अलग ही आ जाती है ऐसे करके। मेरी साजन जी आ जाओ ना घर में, आने वाले नहीं है। ये देखिए दोस्तों मेरी थाली, ये देखिए कितनी सुंदर है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी हमारी करवा चौथ की थाली। मैं देखिए ऐसा डिजाइन है इसमें स्टोन है, और बाहर से तो ये कलरफुल है। ये देखिए हमारी करवा चौथ की थाली। तो अभी हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे से रखना है इसको ऐसे। और दिया जो है ना, दिया कहाँ रखा, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही रखूंगी, लेकिन छन्नी में रख दिया ना दिया दोस्तों, ऐसे रखूंगी। और ऐसी ये देखिए पति देव आएंगे, वो मतलब इतना अच्छा दिन गया था दोस्तों। हमें ना दूसरी मंजिल में गई हुई थी, तब जाके मुझे चांद नजर आए, वो मैं उनको भगा दे रहा बाहर। वो बोलते यार कैसे कब निकलेगा, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास निकला था दोस्तों। उस टाइम जो है बारिश आने वाली थी और बादल आ गए थे, फिर भी चंदा मामा दिख ही गया हमें। मैंने सोचा अभी तो बस
हो गया कल्याण नहीं दिखे तो, क्योंकि वो करवा चौथ का वैसे ही रहता है ना दोस्तों, मतलब जब चांद निकलता है तभी हम पूजा करते हैं अपनी, पहले घर में करते हैं, फिर चंदा मामा की करते हैं, फिर हस्बैंड की करते हैं, फिर खाना खाते हैं दोस्तों, ऐसे है। तो दोस्तों देखिए हमारी थाली ऐसी, हमारी करवा चौथ की थाली